700 गोल करने वाले छठे फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह 5 दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे आगे। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 700वां गोल किया। हालांकि वे अपनी टीम पुर्तगाल को हार से नहीं बचा पाए। सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ गोल करते ही स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खास क्लब में शामिल हो गए। वे अब 700 गोल करने वाले दुनिया के छठे और मौजूदा समय में एकलौते फुटबॉलर बन गए हैं। यूरो कप में यूक्रेन के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने 72वें मिनट में गोल कर यह खास उपलब्धि हासिल की। रोनाल्डो ने अपने करियर में देश और अलग अलग क्लबों की तरफ से 700 गोल किया है। उन्होंने पुर्तगाल की तरफ से 95 और अलग अलग फुटबॉल क्लबों जैसे रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 118, मौजूदा क्लब जुवेंटस के लिए 32 और स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए 5 गोल दागे हैं। रोनाल्डो से पहले इन 5 फुटबॉलर ने भी 700 और उससे अधिक गोल किए हैं। तो आइए जानते हैं उन सभी खिलाड़ियों के बारे में। जोसेफ बीकॉन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऑस्ट्रियाई स्ट्राइकर बीकॉन, उन्होंने अपने करियर में सर्वाधिक 805 गोल किए थे। 1930 से 1940 के दौरान बीकॉन ने रैपिड वियना और स्पार्टा प्राग की तरफ से खेलते हुए गोल किया थे। रोमारियो 772 गोल के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। बार्सिलोना के पूर्व स्ट्राइकर ने अपने करियर में कुल 772 गोल किए थे। पेले, ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले ने अपने करियर में कुल 767 गोल किए थे और वे सबसे ज्यादा गोल के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। पेले के नाम 3 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जुड़ी हुई है। फेरिंग पुस्कस, बुडापेस्ट हवेद और रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने वाले पुस्कस ने अपने करियर में कुल 746 गोल किए थे और वे सर्वाधिक गोल करने की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गेर्ड मुलर, बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलने वाले और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर मुलर ने अपने करियर में कुल 735 गोल दागे थे और वे इस लिस्ट में 5वें स्थान पर काबिज हैं।